हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं नाला सुपर स्टेशन से विराट जीवदानी माता के दर्शन के लिए जाने वाला हूँ। है मेरा टिकट जो कि नाला सुपर से विराट रिटर्न के लिए है। ये देखिए नाला सुपर स्टेशन का व्यू, ये जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ से आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के लिए जा सकते हैं। विरार के लिए लोकल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मिलती है, इसलिए फ्रेंड्स मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चर्च गेट के लिए यात्रियों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे कितनी लगी हुई है, और आज नहीं, ये हमेशा ऐसे ही यात्रियों से प्लेटफॉर्म में भरा रहता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, शायद इसलिए इसको नाला सपरा को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। ये देखिए चर्च गेट के लिए आ गई, मैं अपने लोकल का वेट कर रहा हूँ। मेरी लोकल आ चुकी है फ्रेंड, अब मैं विरार के लिए रवाना होने वाला हूँ। अभी विरार स्टेशन आने वाला है, ये देखिए हमारा विरार स्टेशन आ चुका है। अब मैं विरार प्लेटफॉर्म नंबर 2 से उतरने वाला हूँ। विरार ओवरब्रिज से देखने पर यह तालाब बहुत ही आकर्षक और सुंदर लगता है। सो फाइनली हम लोग जीवदानी मंदिर के द्वार के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ से माता जी के दर्शन के लिए सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं। अभी हम लोग 1270 सीढ़ी पहुंच चुके हैं और हम लोग बस पहुंचने वाले हैं मंदिर। यहाँ पे देखिए भीड़ कम है, नहीं तो हमको यहाँ पर भी लाइन लगानी पड़ती। हम लोग अच्छे टाइम पे आए हैं। ये हमारे भाई साहब हैं, बहुत भीड़ लगती है, लेकिन इस टाइम बहुत 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 लगती थी, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है जो खाली मिल गया हम लोगों को। यहाँ पे भी खाली है पूरा, देखिए यहाँ पे देखिए पूरा खाली है। फाइनली हम लोग 1280 सीढ़ी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1290 सीढ़ी, बस हम लोग जस्ट पहुँचने वाले हैं। ये देखिए पसीने के कारण पूरा सर सर छिल चुका है। आगे कैमरा ना मेरे वीडियो दिखाने के लिए आप ध्यान रखिएगा, मैं वापस से फिर करूँगा। तो अपने काम से जो आगे कैसे हो रहा है, कैसे हो गए, क्या करता हुआ, सब लोग चढ़ रहे ऊपर मंदिर के पास में पहुँचने वाले हैं। यह है जीवदानी माता का भव्य मंदिर जिनका आज हम लोग दर्शन करने वाले हैं। दर्शन करने के बाद आपको बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह दिखाई देगा। जीवदानी माता इतनी ऊपर बसी हैं कि यहाँ से नज़ारा देखने पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी किसी चींटी के समान दिखाई पड़ती है। ये है माता जी का गुंबद जो ऊपर से ऐसे दिखाई देता है। यहाँ से आप दूर दूर के पर्वतों को आसानी से देख सकते हैं। माता का दर्शन करके मुझे अच्छा लगा, आपको भी आना चाहिए। तो वीडियो मेरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।